जल कर राख हो गया मेहता साहब, फायर ब्रिगेड बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते। एक मिनट, कुछ करते हैं जनरल, कुछ करते हैं। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, आप बाघा को कहाँ लेके जा रहे हैं? खंडाला ले जा रहा हूँ। सच? चुप! आज तक अपनी बीवी को मैं खंडाला नहीं लेकर गया, तो तुझ जैसे मुजरिम को मैं खंडाला ले जाकर क्या करूंगा? वो भी है, सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, आप गलती कर रहे हैं। बाघा एक निहायत ही शरीफ आदमी है, ये मुजरिम नहीं है। तो ये भी आप ही तय कर लो ना। हम पुलिस वाले और जज साहब घर बैठ के मूंगफली खाएंगे, आप ले लीजिए। नहीं 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 सर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। कभी चाय है तो कभी सूप है, कभी छांव है तो कभी धूप है, कभी दुकान है तो कभी झूप है। झूप 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 मतलब जीप है। वो धूप के साथ जीप का तुक नहीं बैठ रहा था ना, इसलिए झूप लगा दिया। पुलिस की नौकरी करने आए हो या मुशायरा सुनने आए हो? ड्यूटी सर। ले चलो इसे। चले झूप, जीप में बैठ। चल। बच गया। थोड़ा सपोर्ट देना। चलो जल्दी लो इसको अंदर। छोड़ूंगा नहीं। जेठालाल, क्या है भाई, तुम्हें पकड़ने आए थे, बाघा को क्यों लेके गए? दरअसल मेहता साहब, हमारे सेठ जी का इल्जाम बाघा ने अपने सर ले लिया। रियली ही इज अ वेरी बिग हार्टेड बॉय। हाँ मेहता साहब, आज बाघा ने गजब कर दिया, अब उसको छुड़ाने की जिम्मेदारी पूरी मेरी है। सेठ जी, हम जमीन आसमान एक करके बाघा को छुड़ाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले उस लड़की का पता लगाना होगा जो इतने सारे कांदे हमारे गोडाउन में छोड़ के गई है। नटू काका, मुझे एक बात बताइए, जब वो लड़की यहाँ आई थी तब क्या क्या हुआ था, विस्तार से बताइए। क्या हुआ, दांत में दर्द हो रहा है? नहीं। तो ऐसा ऐसा क्या कर रहे? सोच रहा था। अरे गाल से कोई सोचता है नटू काका? जेठालाल एक मिनट, सोच रहे हैं। हाँ बताइए नटू काका, क्या हुआ था बताइए जरा। वो कांदे वाली लड़की टेम्पो रिक्शा में आई थी। उस टेम्पो का नंबर याद है आपको? नंबर याद होता तो मैं अब तक आपको बता नहीं देता, छिपा के रखता। ये बात भी है। और कुछ याद आ रहा है नटू काका? हाँ, वो लड़की के साथ दो लड़के भी थे। अच्छा, और कुछ? वो लड़की ने बाघा को बागेश्वर कहा था। बागेश्वर कहा था, इसका मतलब तो हो सकता है जेठालाल की वो लड़की बाघा को पहले से जानती हो। लेकिन बाघा उसको नहीं जानता है, हमने पूछा बाघा को। अभी इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढेंगे उस लड़की को। नटू काका, आपको उस लड़की का फोटो खींच लेना चाहिए था ना मोबाइल में। अरे सेठ जी, उस वक्त मुझे थोड़े ही पता था कि वो लड़की इसी फ्रॉड निकलेगी। अरे अभी उसका फोटो होता तो कितना काम होता। नहीं नहीं, फोटो तो हो सकता है जेठालाल, फोटो हो सकता है। नटू काका, आपने उस लड़की को ध्यान से देखा था? हाँ। आपको उसका चेहरा मोरा पूरा याद है? हाँ। वाह, फिर तो बन जाएगा फोटो। जेठालाल, ऐसे बहुत सारे स्केच आर्टिस्ट होते हैं। कैच आर्टिस्ट? नहीं नहीं, कैच आर्टिस्ट नहीं, स्केच आर्टिस्ट, चित्रकार, जिन्हें अगर हम किसी व्यक्ति का चेहरा मोहरा बताएं, डिस्क्रिप्शन दें, तो वो जो का त्यों उस व्यक्ति का चित्र बना लेते हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा चित्रकार अभी कहाँ ढूंढने जाएंगे? अरे है ना पोपटलाल। पोपटलाल तो पत्रकार है, चित्रकार कब से हो गया? अरे वो खुद पेंटिंग का ब्रश जैसा है। अरे हाँ भाई, लेकिन पत्रकार है वो भी, क्राइम रिपोर्टर, और क्राइम रिपोर्टर्स की तो ऐसे स्केच आर्टिस्ट से जान पहचान होती है, वो जरूर जानता होगा। अच्छा हाँ, तो आप जल्दी उन्हें फोन लगाइए ना। मैं लगाता हूँ। हेलो पोपटलाल। हाँ हाँ, बोलो बोलो लाल बंधु जेठालाल। पोपटलाल भाई, तुम्हारी थोड़ी मदद की जरूरत आन पड़ी है। हाँ हाँ बोलो। बताता हूँ, लेकिन देखो ये बात एकदम खानगी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ भाई, प्लीज जरा ध्यान रखना। तुम बेफिक्र होकर मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। देखो हुआ यूँ कि वो अच्छा, ये बात है। हाँ। तुम नट्टू काका से पूछो वो लड़की दिखने में कैसी थी, पढ़ी लिखी थी, संस्कारी घर की लग रही थी या शातिर लग रही थी।
पोपटलाल तुम अभी अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढना बंद करो भाई। फोन बुझे दो। अरे भाई पोपटलाल, अभी हमें उस लड़की की तलाश इसलिए है कि अगर वो लड़की नहीं मिली तो बागा को सजा हो जाएगी, और उस लड़की को ढूंढने के लिए हमें स्केच आर्टिस्ट चाहिए, इसलिए तुम्हें फोन किया भाई। मेहता साहब, उसके लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, वहाँ क्रिमिनल्स के स्केच बनाने के लिए एक स्केच आर्टिस्ट रहता ही है। तो ठीक है, तुम भी पुलिस स्टेशन पहुँचो, हम भी पुलिस स्टेशन पहुँचते। ये खंडाला, अब अंदर बैठ के चिक्की का। खंडाला जाएगा। इस कांदे की वजह से पुलिस चौकी में गर्मी बढ़ गई है। ऑन करो। सर वो बिगड़ा हुआ है। ऊपर का चालू करो। वो तो आप छुट्टी पे गए, उससे पहले से बिगड़ा हुआ है। पंखा बिगड़ा था इसीलिए छुट्टी ली थी, पर अब तक ठीक नहीं हुआ। मेरा फैन भी वेस्ट हो गया। एक हफ्ते की छुट्टी क्या ली इतने सारे केसेस पेंडिंग में। ऐसा क्या है? पांडे जी, आप इसे हवालात कहते हैं, लेकिन यहाँ हवा तो है ही नहीं। लेकिन अगर आप चाहो तो मैं हवा दे सकता हूँ, मैं ये फैन रिपेयर कर सकता हूँ। कैसे? पांडे जी, ये बागा कोई भी बिगड़ी हुई मशीन रिपेयर कर सकता है, और ये फैन तो क्या, मैं तो हेलीकॉप्टर का फैन भी रिपेयर कर सकता हूँ। एक अपवास। एक मिनट पाटिल, लेट हिम ट्राई। लाइए फैन, इधर लाइए पाटिल भाव। फैन ऑन करने चले। पंखा चालू करने के लिए स्विच ऑन करना पड़ता है। पाटिल, देखा हो गया चालू। आप लोग यहाँ क्यों आए हो? वो बाघा ने अपना फर्ज निभाया तो हम भी अपनी वफादारी का कर्ज निभाने आए हैं। ए, फिल्मी डायलॉग बोलना बंद कर और सीधे सीधे बोल, यहाँ क्यों आया? बाघा को छुड़ाने आए हैं। तो सीधे सीधे बोलना। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि मैंने तुझसे कर्जा लिया है। और इन्हें आप अकेला मत समझिए, इनके साथ आए हैं वरिष्ठ युवा पत्रकार। कहाँ है वो? मैं हूँ। तुमने तो युवा कहा ना? हाँ, तो अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है। अनु ने गलत उम्र बताने की कोई धारा नहीं बनाई, वरना। खैर बताओ, यहाँ क्या गुल खिलाने आए हो? हमारे बाघा की सजा कैंसिल करवाने के इरादे से मैं यहाँ पर आया हूँ। बाघा तुम बिल्कुल पाटिल, ये तो रो रहा है। नहीं पांडे जी, मैं रो नहीं रहा हूँ। तो क्या तेरे आंख से पसीना निकलता है? ये तो खुशी के आंसू हैं, मेरे सेठ जी, नट्टू काका, मेहता साहब, पोपट भाई, सब लोग मुझे बचाने आए हैं। आज मुझे पता चल गया
मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ। भागा तो बिल्कुल फिक्र मत कर, हम उस लड़की को हर हाल में ढूंढ निकालेंगे जिसकी वजह से तू यहाँ फंसा है। जेठालाल एक बात बताओ, जेठालाल कैसे ढूंढोगे उस लड़की को? बंद कर ये पंखा। अरे मैंने पंखा चालू नहीं किया। बंद कर दिया सर। वैसे जेठालाल कैसे ढूंढोगे उस लड़की को? तुम्हारे पास तो उसका कोई अता पता नहीं। वो पता क्या, उसकी पूरी जन्म कुंडली मिल जाएगी जब हम उसकी तस्वीर हमारे अखबार तूफान एक्सप्रेस में छापेंगे। तुम्हारे पास उसकी तस्वीर है? नहीं 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 पांडे जी, उस लड़की की तस्वीर हमारे पास नहीं है, लेकिन नट्टू काका यहाँ आइए ना। नट्टू काका ने उस लड़की को देखा है। तो हम क्या चाह रहे थे कि नट्टू काका उस लड़की का विवरण दे देंगे, तो कोई स्केच आर्टिस्ट उस लड़की का स्केच बना देगा, तो स्केच के जरिए हम उस लड़की को ढूंढ लेंगे। बस इसीलिए हम लोग यहाँ आए। ओह आई सी। नो आई सी, आई सी दैट गर्ल नॉट यू। पाटिल इन सब को अंदर करो। नहीं नहीं अरे उसको अपना विवरण दो, अपना स्केच बना देगा और लड़की मिल जाएगी। अरे वहां नहीं, वहां है। आपने अंदर बताया ना। तो हमसे मिस्टेक नहीं हो सकती। लेकिन एक बात याद रखना, आप लोगों के पास सिर्फ 6 बजे तक का वक्त है। अगर 6 बजे तक उस लड़की को नहीं ढूंढ पाए, सॉरी। पर 6 बजे तक? 6 बजे तक का तो बहुत कम टाइम है। चलो जी पांडे जी, थोड़ा और वक्त दीजिए ना प्लीज। तो जेठालाल तुम्हारे हिसाब से कितना टाइम लगेगा उस लड़की को मिलने में? अभी मिलने को तो 1-2 घंटे में भी मिल सकती है। अच्छा, और नहीं मिली तो 1-1.5 साल भी लग सकते हैं। नहीं नहीं 1-1। अरे क्या नहीं, तुम लोग चाहते हो 1 साल तक मैं यहीं बैठा रहूं? मैं घर जाऊं ना बीवी से मिलूं ना बच्चों से मिलूं, बीवी के हाथ के बनाए कांदे के पकोड़े ना चखूं, नहाऊं ना धोऊं, यही कपड़े पहनकर यही बैठकर इंतजार करता रहूं कि जेठालाल एंड पार्टी आएगी और कांदे वाले को लाएगी। 6 बजे मतलब 6 बजे, नो डिस्काउंट। डिस्काउंट मेरा मतलब नो डिस्कशन। 6 बजे तक लड़की मिली तो ठीक है, वरना तुम्हारा बागा जाएगा कांदे के भाव में 6 साल के लिए। हम लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? हमें स्केच बनवाना, आर्टिस्ट तो उधर है ना। कम ऑन मूव मूव। अरे अंग्रेजी मत बोलो, मूव 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 अभी बस। याद रहे आप लोगों के पास सिर्फ 3 घंटे बचे हैं और आप लोगों का समय शुरू हो चुका है। बताइए लड़की दिखने में कैसी थी? कैसी थी मतलब? अरे मतलब उसका चेहरा मोरा कैसा था वो बताइए। आंखें बड़ी थी, छोटी थी, नाक गजिया जैसा था या पोपट जैसा था, वगैरह वगैरह। हाँ हाँ देखिए सुनिए, वो लड़की गोरी सी थी। का वर्णन नट्टू काका बता रहे हैं, मेरा मन तो सहरा बांधकर शहनाई बजाने को कर रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें पोपटलाल, यहाँ टेंशन के मारे बागा की पुंगी बजी हुई है और तुम्हें अपनी शादी की शहनाई बजानी है। नहीं मतलब क्या मतलब भाई? प्लीज प्लीज डोंट डिस्टर्ब, लेट मी कॉन्सेंट्रेट। ओके ओके।
ये देखिए, ये बताइए ऐसी दिखती थी? अरे ये तो 80% सेम टू सेम लड़की सेठ जी। हाँ 80%। अच्छा पहचानते हो उस लड़की को? पांडे जी, इतनी दूर से चेहरा समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं इसे थोड़ा नजदीक से देख सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, बाहर निकालो उनको, बाहर निकालो। अरे क्या बाहर निकालो, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हम पब्लिक के पास जाएंगे। वाह वाह। ये लड़की, इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कौन है। अरे भाई दिमाग पे जोर डालो और याद करने की कोशिश करो कि ये लड़की कौन है, क्योंकि अगर ये लड़की नहीं मिली बागा तो तुम्हें बहुत लंबी सजा हो सकती है। याद नहीं आ रहा है, नहीं चलेगा भाई, याद कर याद कर। हाँ सेठ जी सोच रहा हूँ। याद करो, उस कुंवारी लड़की का मिलना बहुत जरूरी है। मेरा मतलब है उस लड़की का कुंवारी होना बहुत जरूरी है। मेरा मतलब है उस लड़की का मिलना बहुत जरूरी है। बकअप बकअप भागा बकअप। हाँ हाँ नटू काका। आ गया, याद आ गया। अरे तारीफ नहीं बोला था ना। अरे ये तो वो है, वो ये मतलब इसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसे मैं एक दो बार मिल चुका हूँ। कहाँ कहाँ? हमारे घर के पीछे की जो गली है वहाँ वो एक बरगद का पेड़ है। उस बरगद के पेड़ के आगे लेफ्ट साइड में एक नीम का पेड़ है। उस नीम के पेड़ के आगे राइट साइड में एक जामुन का पेड़ है, और उस जामुन के पेड़ और नीम के पेड़ के बीच में जो गली जाती है। अबे ओ बागली, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाना बंद कर। बागली, और सीधे से बता लड़की कौन है और कहाँ रहती है, वरना ये लॉकअप तेरा परमानेंट एड्रेस बन जाएगा। पक्का एड्रेस तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन ये हमारे घर के आस पास ही रहती है, मैंने उसे एक दो बार आते जाते देखा है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ उसे ढूंढो, जाओ। लेकिन एक मिनट, याद रहे अब आप लोगों के पास सिर्फ अर्ली टाइम क्या हुआ सर? 4 बजे। 4 घंटे बचे हैं सर। 4 बजे हैं। ठीक से बोल नहीं सकता जी, मेरे 4 गए तो कितने बजे? 2:15 घंटे। सवा दो कैसे? 6 में से 4 के तो 2 ही बचे हैं ना। नहीं अभी वो हिसाब किताब करने में 15 मिनट तो हमारे वेस्ट हो गए ना, तो नो डिस्काउंट। मतलब दो डिस्कशन, कम ऑन, मूव 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 मूव। चल 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 चल। ये अरे भाई तस्वीर तो ले लो, ढूंढने की क्या तस्वीर तस्वीर। अरे हां चल चल, रास्ते में इसकी फोटोस्टेट कॉपी करवा लेंगे। ऑल द बेस्ट। हे भगवान, लड़की मिला देना। दोस्तों टाइम इज मनी तो आपने शायद सुना होगा, लेकिन यहाँ सिचुएशन टाइम इज लाइफ की तरह है। अगर वक्त रहते उस अनजान लड़की को नहीं ढूंढा गया तो बाघा जेल जा सकता है। टेंशन हिमालय की तरह है। ऐसा टेंशन तब होता है जब बच्चा एग्जाम देने के लिए जाए, ऐसा टेंशन उस पति को भी होता है जब उसकी पत्नी शॉपिंग के लिए चली जाए, ऐसा टेंशन उस प्रत्याशी को भी होता है जिसकी मतगणना चल रही हो चुनावों की। ऐसा ही टेंशन इस वक्त यहां पर है, अगर वक्त रहते वो लड़की नहीं मिली तो बाघा का फ्यूचर बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। लेकिन एक स्केच, सिर्फ एक स्केच के सहारे उस लड़की को ढूंढना ठीक ऐसा ही है जैसे घास में से सुई को ढूंढना। भाई वक्त रहते हम उस लड़की को ढूंढ पाते हैं नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपके लिए ठहाक है, हम जरूर ढूंढ के लेके आएंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates,
subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.